लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे ना, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ये सब पढ़े थे हम लोग। कहाँ तक की बात है, याद है कुछ? सर कुछ पढ़े पोटेंशियल पोटेंशियल एट अ पॉइंट कर रहे थे। एट ए पॉइंट। अच्छा ठीक है, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी क्या सबकी अलग अलग से? नहीं सर। सर डेफाइन आपने बोला था बाद में लिखवा होगा। हाँ, चलो मैं एक बार ना पहले फटाफट 2-3 मिनट बोलता चला जाता हूँ, मैं रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का भी। क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहला हम लोगों ने सीखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये निकालने के दो तरीके थे, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक था एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो हमने बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की तो मैंने बोला था कि वहां पे हम लोग को दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। दो कंडीशन कौन सी थी? एक कंडीशन ये थी कि वर्क डन जो होगा वो स्लोली होना चाहिए ताकि कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, और दूसरी बात ये थी कि वहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए। किताबों में अधिकतर का यही लिखा होता है कि वर्क डन स्लोली होना चाहिए, वो लोग मेंशन नहीं करते दूसरी बात। ठीक है, लेकिन तुमको मान लेनी है कि ऐसा होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो हमने दो तरीके से निकालना सीखा था, एक 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 कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। हम दोनों तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स से देखा था तो हमने वहां पे लिखा था क्या कहते हैं, माइनस डेल्टा यू माइनस डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, जहाँ पे एफ था कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और वहां पे माइनस एन लगाते थे जब हम, और यहाँ पे हम लोग एफ को पुट करते थे के क्यू स्क्वायर में, आर स्क्वायर पुट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे थीटा को हम लेते थे क्या कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 1 हो जाता है। ठीक है, हम निकाल लेते। जब हमने बात की थी एक्सटर्नल फोर्स से तो हमने वहां पे क्या देखा था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से लेके बात करें तो हमने वहां पे देखा था कि हम वहां पे बॉडी को पास लेकर के आते थे कैपिटल क्यू चार्ज के, वहां पे हमने लिखा था एफ डी यू था एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, वहां पे हमने प्लस साइन लगाया था। ठीक है, और वहां पे हम लोग लिखते थे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल फोर्स होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड मेथड में हमने डी आर को लिया था नेगेटिव और वहां पे लगाते थे कॉस 0, क्योंकि जिधर एक्सटर्नल फोर्स होता है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, लेकिन डी आर वेक्टर को हम लेते थे नेगेटिव। ठीक है, इससे हम लोग आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, तो हमारा ये दो मेथड थे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालने। फिर जब हम बात करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तो हम क्या करते थे, हम मान लेते थे कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते थे और फिर हम कोई भी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते थे। ये वही बात हो गई थी कि तुमको अपना कहीं एड्रेस बताना हो तो पहले वो लोकेशन बताओगे जिसके बारे में लोगों को पता हो। फिर तीसरी बात आती थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे तो ये ठीक पूरा का पूरा प्रोसेस वही रिपीट होगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में निकालते थे, बस यहाँ पे हम लोग जो स्मॉल क्यू चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको 1 फुट कर देते हैं। चौथी बात होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का ठीक वही तरीका होता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में स्मॉल क्यू आता है, ठीक है, जहाँ पे चार्ज को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो चारों में से कोई भी चीज को वो निकाल सकते। ठीक है, अच्छा अब बात आती थी हम लोगों ने ये देख लिया था पूरा का पूरा, अब बात करते हैं हम लोग कुछ कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन की। ठीक है, पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो जो पुरानी बात जो मैंने की थी ना वो मेनली उसके डेरिवेशन आते एग्जाम में। ठीक है, उसके डेरिवेशन आते, और जो अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये एक डेफिनेशन हो गई उसकी, उसकी फील्ड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसको डिफाइन कैसे किया गया, देखो तो इसको पता है एकदम सिंपल भाषा में, अगर तुमको ये चीज समझानी हो क्लास, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमको समझाना है किसी क्लास 9th या 10th के बच्चे को तो कैसे समझाओगे? सिंपल भाषा में ऐसे लिखूंगा मैं बिना कोई फॉर्मूले के, ऐसे इट इज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट विच डिटरमाइंस एनर्जी चार्ज पार्टिकल will possess if brought at that point. सिंपल सा मतलब है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बी है, हमसे पूछा गया कि ए पर ए की दूरी यहाँ से कितनी आर वन है और टू की दूरी यहाँ से कितनी आर टू। हमसे पूछा गया कि ए पर पोटेंशियल क्या होगा, तो मैंने बोला के क्यू बाय आर वन। हमसे पूछा गया कि बी पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर है के क्यू बाय आर टू। ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल एट ए जो होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एट बी। अब सोचो, मान लो मेरे पास एक चार्ज है 10 कूलम, अगर मैंने इस 10 कूलम चार्ज को यहाँ पे ए पे लाके रखा, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो, बी पे लाके रखा तो इस 10 कूलम के पास एनर्जी कैसी है, कम हो, क्योंकि तो यहाँ का पोटेंशियल। एक ही चार्ज को दो अलग अलग पॉइंट पे लाके रखते हैं तो उसके पास एक ही चार्ज के पास अलग अलग एनर्जी होती है। ये कितनी एनर्जी होती है, किससे डिसाइड होती है, ये उस पॉइंट के पोटेंशियल से डिसाइड होती है। ठीक जैसे मान लो अगर अर्थ सरफेस पर अगर हम बात करें, हम एक केजी मास यहाँ पे रखें, एक केजी मास यहाँ पे, यहाँ पे अर्थ के लिए यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होता है, यहाँ पोटेंशियल कम होता है, यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे उसी मास के लिए यहाँ पे एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल क्या हो गया, वो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि डिटरमाइन करती है कि किसी चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी अगर हम उस पॉइंट पे लाकर के रखेंगे। ये पता है, ये कुछ ऐसी बात होगी जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि मान लो कि कोई सब बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है, एग्जाम आएगी, सारे बच्चे लगभग 8-8 घंटे पढ़ाई। अब मान लो अगर ऐसा बोला गया कि कोई बच्चा है जिसके लिए हमने बोला कि इस बच्चे का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ठीक है, ये काफी इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बहुत पोटेंशियल है। अब मान लो दो बच्चे, ठीक है, एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल मेहनत करेंगे, ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर इक्वल मेहनत करेंगे, इक्वल टाइम देंगे, तो जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएगा, है ना, हम ऐसा बोल रहे। तो यहाँ पर इन द सेम वे कुछ पोटेंशियल भी ऐसी होगी, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे में ज्यादा पोटेंशियल है और अगर उस पोटेंशियल में उसने अगर हार्ड वर्क को ऐड कर दिया, दो बच्चे हैं, दोनों का इक्वल, दो एक का पोटेंशियल ज्यादा है, दोनों ने अगर सेम हार्ड वर्क अगर ऐड कर दिया है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, उसको अपने पोटेंशियल के साथ हार्ड वर्क को ऐड करना होगा। इन द सेम वे अगर आपको एक लोकेशन में एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे चार्ज को लाकर के रखना पड़ेगा, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया पोटेंशियल क्या होता है। अब पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या था, एक दूसरी डेफिनेशन क्या पोटेंशियल की, देखो ऐसे भी देखा किताबों में लिखा होता है पोटेंशियल, सर वो एग्जांपल लिखना था नीचे का, ये लिख लो सर एक मिनट। हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल
एट ए पॉइंट defined as work done in bringing a unit positive charge हाँ उसकी definition पॉजिटिव ये ना तुम्हें अपने किताबों में मिल जाएगी ठीक है जो मैंने तुम्हें समझाया था ना वो सिर्फ फील के लिए था कि पोटेंशियल क्या होता है ठीक है तो पोटेंशियल कहीं पे चार्ज लिख दिया हो तो एनर्जी ज्यादा आएगी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पोटेंशियल एट पी मान लो हमको निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी ठीक है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ठीक है पोटेंशियल को नापते कैसे हम लोग जो मैंने बताया था तुमको अभी है ना कि अगर हम कोई भी मान लो जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है यहाँ पे पॉइंट पी है इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है तो पूछा गया यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा तो हम क्या करते हैं एक वन कूलम चार्ज लेते हैं ठीक है और काफी दूर से मतलब इतना दूर कि जहां पे कैपिटल क्यू का इन्फ्लुएंस भी ना हो ठीक है बहुत दूर का मतलब क्या होता है बहुत दूर का मतलब ये देखिए मार्स पे तब जाके सन से चार्ज लेके आएंगे बहुत दूर का मतलब ये होता है कि कोई चार्ज से इतना दूर चले जाओ जहां पे उसका इन्फ्लुएंस ना हो तो अब यहाँ पे क्या करते हैं यहां से चार्ज लेके आएंगे पॉइंट पी इतना जो भी वर्क करना पड़ेगा ना पर यूनिट चार्ज वो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा तो सीधी सी बात है अगर मैं तुमको निकाल के दिखाऊं तो कैसे निकालते थे हम लोग देखो तो हम दूरी h पे जाते हैं और ये x दूरी है हम यहां से चार्ज इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं अगर तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर चार्ज के लिए कर रहे हैं हम लोग फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन क्या हो जाएगा dw इक्वल्स टू स्लोली लाना है स्लोली लाने के लिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स के फोर्स का k q1 q2 होता ना एक चार्ज कैपिटल q हो जाएगा दूसरा चार्ज वन हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस dx लेंगे ये पता पुरानी कहानी जो हमने करके रखी है बिल्कुल वही पुरानी कहानी है और जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है ठीक है कहां से लेके आना चार्ज को इन्फिनिटी से और कहां तक के लेके जाना है आर दूरी तक लेके जाना है ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फोर्स है ठीक है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस डी एक्स क्योंकि एक्स हमने इधर लिया तो डी एक्स इधर होगा इनटू कॉस जीरो क्योंकि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट तो निकाल के देखो डब्ल्यू हो जाएगा माइनस के क्यू और बाहर निकल जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाय के क्यू वन बाय आर माइनस वन बाय इनफिनिटी तो सेम आ गया आंसर ठीक है इसको नोट कर दो अगर सिर्फ पोटेंशियल की डेरिवेशन पूछ लेना तो इतना करके आ जाना बस बाकी तुमको हर एक चीज को लिंक वाइज लिंक एसोसिएट करने आता ही है कि एनर्जी डिफरेंस को एनर्जी के साथ फिर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ फिर पोटेंशियल के साथ कैसे लिंक करना अगर इंडिविजुअल पूछ ले तो ऐसा करके आ जाओ इसको नोट कर दो ये पता रिपीटेड टॉपिक है ये जो मैंने पढ़ाया था ना पहले उसी को रिपीट ही किया मैंने वो क्या देखो एग्जाम में अधिकतर आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसलिए ये इसका ऐसा लिखना आना चाहिए
उसके बाद अगर हमसे पूछ ले कि पोटेंशियल को पता है, देखो पोटेंशियल चीज को और हम कैसे डे टू डे लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे देखो हम कहते हैं ना कि पानी कैसा फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल, हीट कैसे फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उसी तरह से चार्ज कैसे फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा एनालॉग हो गया, कंपैरिजन टाइप के हो गया। उसके बाद अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि पोटेंशियल का जो यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क का तो जूल हो जाता है, चार्ज का कूलम हो जाता है, यूनिट इज जूल पर कूलम। इसी को हम क्या लिखते हैं, और वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है ये। उसी तरह से अगर पूछ ले कि मान लो कि चार्ज क्यू है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है और यहाँ पर की दूरी अगर मान लो आर वन है और यहाँ पे ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ये आर टू है जगह, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, ए और बी का बी ए माइनस बी, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। अगर अगर मान लो हमको पोटेंशियल अगर मान लो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी को जीरो दे दो पोटेंशियल, फिक्स कर दो और निकाल लो पोटेंशियल। अगर हमें पोटेंशियल पता तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। मान लो अगर हमको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधे क्या करो, ए के पोटेंशियल को और बी के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन सी बड़ी बात, आंसर, ठीक है, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। और एग्जाम में एकदम क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बार बार पूछा गया, ठीक है। इसलिए बताओ मैंने दोबारा डेरिवेशन कर दिया था एक बार, क्योंकि मैंने जो एक लिंक जोड़ी थी उससे भी मैंने बताया था और एक बार मैंने फिर से बता दिया, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, इसलिए इस पर कोई दो मत वाली बात नहीं है। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज, 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये मैंने देखा लगभग हर दो तीन साल में एक बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया ही गया क्वेश्चन। पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेना, यूनिट याद रखना, बट सबसे इंपॉर्टेंट उसका डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, हमने देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, कैसे याद करो, हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बेसिकली पढ़ते थे फोर्स के बारे में, यहाँ पढ़ते बेसिकली वर्क के बारे में। इलेक्ट्रिक जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा था, फिर हमने उसके निकाला था इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं फोर्स ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ा था उसके बाद।
अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी आसान है ये, कुछ खास बगज वाली नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पढ़ना थोड़ा आसान होता है। यहाँ पर हमारे पास एक डायपोल है, सेम जैसे बिल्कुल जैसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक रिपीट होगा, हाँ न्यू टॉपिक है, मतलब चैप्टर वही है, टॉपिक चैप्टर नंबर टू ही चल रहा है। ठीक है, दो चार्ज है, चार्ज है माइनस टू, यहाँ चार्ज है प्लस टू, माइनस की यहाँ चार्ज है प्लस। अब हमें क्या बोला गया है, हमें निकालने बोला गया है ये पॉइंट P है, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे हमको निकाल इसकी जो दूरी है ना डायपोल के सेंटर से वो x, और डायपोल की जो लेंथ है ना वो 2L। ये 2L है, ये x है, तो हमसे पूछा कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो मैंने कैसे लिखा, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट पी, पी काट के x पर, पी में ये डायपोल मोमेंट भी आता है, पोटेंशियल एट x ड्यू टू प्लस हो जाएगा बी प्लस ना, ये देखो ये पूरा 2L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक x माइनस है, पोटेंशियल जो टू समर्थ कहाँ पे, माइनस k की बार, तो V नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K क्यूब बाय 1 बाय x माइनस L माइनस 1 बाय x प्लस L। देखो पोटेंशियल वाली चीजें ना करना ज्यादा आसान होती है, तो उसपे क्यों मेरे को ये नहीं देखना पड़ता cos थीटा sin थीटा, सिंपल ऐड कर दो बस sin थीटा, कुछ करने का नहीं लफड़ा। K क्यूब, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, तो ये हो जाएगा 2L बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो q इंटू 2L तो p हो जाएगा, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन l तो b क्या हो जाएगा, k p बाय x का स्क्वायर होगा, दिस इज आंसर। नोट कर दो, सिंपल है, एकदम से आता है, एक दो मार्क का आता है सब। सर इसमें x मच मच ग्रेटर देन l कैसे होगा, कि हम जो हम तो पढ़ते हैं ना पॉइंट डायपोल पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर पॉइंट डायपोल, जो हम डायपोल पढ़ते थे
HCl molecule, hydrogen fluoride molecule, वो सब के लिए पढ़ कर आगे बढ़ते। ये हमारा हो गया एक्सेल। अब नेक्स्ट आता है सेकंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट। अगर आप इक्विटोरियल की बात करें ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर। मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल टू प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल टू माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। कोई लफड़ा नहीं है कि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, सिंपल सी बात है। वी इक्वल्स टू वी नेट हो जाएगा, वी प्लस प्लस वी माइनस, ये हो जाएगा के क्यू आर बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। मतलब पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट कितना होता है, जीरो। तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी यहाँ पर पॉइंट लिया हमने एक्स, दूरी इसकी आर है, एंगल थीटा, ये हमारा हो जाएगा पी वेक्टर। ठीक है, अभी डायपोल को दो दो पार्ट पे तोड़ दो, पी कॉस थीटा and P sin theta। अब देखो जैसे हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, ठीक वैसे करें यहाँ पर भी। अब यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू ये एक्सियल हो गया ना, एक्सियल तो ये हो जाएगा के पी cos theta by r का स्क्वायर। क्योंकि एक्सियल के लिए हमको पता के पी बाई आर का स्क्वायर था, यहाँ पे P के बदले P cos theta हो जाएगा। And potential due to equatorial part equal to zero हो जाएगा। Therefore V net हो जाएगा V A plus B। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर एक्सकेल होगा तो थीटा को मिलेंगे जीरो, तो के पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा।
और अगर ये क्या कहते हैं इक्वेटोरियल होगा तो ये थीटा को ले लेगा 90 डिग्री, कॉस टेन थीटा हो जाएगा 0, है ना, तो नोट कर दो। सर आपने एंगल कौन सी साइड से लिया है वो पी कॉस थीटा और साइन थीटा में? मतलब ये एंगल तो ऐसा लिया, वो ट्रायंगल कैसा लिया है आपने? मतलब ट्रायंगल कहाँ लिया मैंने, वो ट्रायंगल नहीं लिया, खाली मैंने पी के लिए क्या किया, ये एक में ये मैंने ले लिया, मान लो अगर एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अच्छा नीचे वाला, हाँ सर नीचे वाला लिया फिर सही, ठीक है ठीक है, ये एक्स के लिए पी कॉस तो एक्सिस हो जाएगा, और देखो तो अगर यहाँ से देखो अगर ये P साइन थीटा 90 डिग्री वाला हो गया। हाँ सर आगे बढ़ते, अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना डायपोल वाला, मतलब समझ लो या तो पॉइंट चार्ज का नहीं तो डायपोल पोटेंशियल निकालने आता है। अब आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन मैंने और देखा था बोर्ड एग्जाम में भी तो आ चुका हुआ है, और देखा जाए तो अच्छा सवाल है वो भी। क्या सवाल था? ड्रॉ ग्राफ फॉर एक मिनट, हाँ वो डेरिवेशन थे सब, पोटेंशियल के तीन डेरिवेशन हो गए ना, क्या कहते हैं एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और एनी पॉइंट पे हो गया, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायपोल पहले फिर से करवा दिया एक बार, ठीक है, वो पहले भी हम लोगों ने चारों में डिस्कस किया था लिंक लेकर के, एक बार फिर से करवा दिया। मैंने जो करवाया था पॉइंट डायपोल के लिए वो मैंने एक्सटर्नल फोर्स से करवा दिया, वो हो सकता है कोई किताब में कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन देखे उससे करवा दे, कोई भी करवा दे तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए बस। ड्रॉ ग्राफ फॉर क्वेश्चन रहेगा फॉर ई वर्सेस आर एंड बी वर्सेस आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एंड पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। देखो ये आर होगा और देखो आपको दोनों ग्राफ जो ना एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, देखो ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी में जो इन लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी में नंबर लेकर के ड्रॉ किया, तो मैं ना तुमको उसी तरीके से बताता हूँ ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए, और तुम ना उसको एक बार ग्राफ और नंबर लेकर ड्रॉ कर लोगे ना, ठीक है, तो अगर तुम एग्जाम में ड्रॉ करते हो तुमको ग्राफ की अगर शेप भी खाली याद रह जाए ना तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वी हो जाता है के क्यू बाय आर। इफ अगर हमने क्यू को ऐसा चार्ज लिया, देखो हमको शेप से मतलब है,
ठीक है चार्ज, तो हम चार्ज कोई भी ले ठीक है, तो शेप तो उसकी वैसी होनी चाहिए, ठीक है, शेप पे तो कोई फर्क आना नहीं चाहिए। तो अगर हमने क्यू को ले लिया वन बाय के, ई क्या हो जाएगा वन बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी अगर हमने क्यू को लिया वन बाय के, मतलब चार्ज हम ले लेंगे वन बाय नाइन इंटू टेन रेज टू नाइन कूलम, तो ई किसके इनवर्स ई हो जाएगा, वी हो जाएगा वन बाय आर। अब यहां पर क्या करेंगे, आर लेते हैं अलग अलग वैल्यू की और ई निकालते हैं, आर को लेंगे वन ई हो जाएगा वन, आर को लेते हैं टू ई हो जाएगा पॉइंट टू फाइव, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा लिखा तो ये कर, लिखा तो ये कर, इसको तो मैं नोट कर लेता हूँ, ऊपर वाला नोट कर, यहां पे मैं लिख देता आर फोलो वन, आर फोलो पहले 0.5 आर को 0.5 लेंगे, ई हो जाएगा 4, आर को लेंगे 1, ई हो जाएगा 1, आर को लेंगे 2, ई हो जाएगा 0.2, आर को लेते हैं 3, तो 1 बाय 9, 0.11 हो जाएगा, आर को लेते हैं 4, 1 बाय 16, सेम अगर यहां पे देखा जाए आर को लेंगे हम कितना 0.5, बी हो जाएगा 2, आर को लेंगे 1 भी हो जाएगा, तो मैं अलग थिंक से कुछ बनाएंगे। आर को लेंगे 0.5 भी हो जाएगा, आर को लेंगे 1 भी हो जाएगा, आर को लेंगे 1 भी हो जाएगा, आर को लेंगे 2 भी हो जाएगा 0.5, आर को लेंगे 3 भी हो जाएगा 0.3, आर को लेंगे 4 भी हो जाएगा 0.2, ऐसा आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा है, ये पूरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ये ओरिजिन चूज किया, यहां मैंने लिखा 1 2 3, और आर को मैंने लिखा 1 3 4 के 4 के ऊपर जाए, ठीक है, ये टॉपिक को हटा रहा हूं, आर को लिखता हूं मैं 1 2 3 4, ये लिखा मैंने किसको, ये 1 है ठीक है,
ये टू है, या क्यों जाएगा फोर, नीचे के थ्री आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैंने आर को लिया 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड था 4, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता हूँ रेड से, ये आर कितना 0.5 इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आर को 1 लिया मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1। जब मैंने आर को लिया 2, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0.25। देखो ये 1 है ना, तो 1 का आधा इधर होगा। जब मैंने आर को लिया 3 तो ये हो जाएगा 0.11। जब मैंने आर को लिया 0.06, ये एकदम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये मान लो कि E वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। अब जरा पोटेंशियल का ध्यान से देखो, पोटेंशियल को मैं ग्रीन से दिखाता हूं। जब R है 0.5 तो E की V की वैल्यू 2 है, जब R 1 है तो V 1 है, जब R 2 है तो V 0.5 है, आर थ्री है तो वी 0.33 है, आर फोर है तो वी 0.25। इसका अगर आपको जैसा लगता है देखो, दो खास बात इस ग्राफ। पहली बात, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ई का पॉइंट ऊपर है, और ई जो है ना रेड वाली लाइन अगर ध्यान से देखो तो इट इज ग्रोइंग फास्ट, इट इज ग्रोइंग वेरी फास्टली टुवर्ड्स जीरो, बहुत तेजी से जीरो की तरफ बढ़ रही है। देखो ई की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि देखो बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो वी उतना तेजी से जीरो नहीं होता है, तेरी से ई जीरो की तरफ। अगर एग्जाम में ये ग्राफ अगर सिंपल वे से ड्रॉ करना हो, ठीक है, देखो मैंने पूरा समझा दिया कि लॉजिक के साथ। ठीक है, एक बार हमको ग्राफ देख करके याद हो जाए फिर तो हम अपने मन से, अगर एग्जाम में ग्राफ अगर आ जाए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उसको। देखो ये ई का होगा, एंड दिस ग्राफ इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, इसको फटाफट सबके नोट कर दो ग्राफ को।
समझ में आ गया था सबको? हाँ सर आ गया। उसके बाद रात हो गया, पोटेशियम हो गया, और इसके तो ठीक है काफी इतना। ठीक है फिर अगर परसों क्लास में होगा ना ठीक है, तो आगे फिर करवा दोनों तुम लोग का कॉमन बैच हो जाएगा। जो समय मिलेगा ना मैं इससे क्या होगा, कॉमन बैच करवा के क्या मैं क्लास की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा, और जब फिर क्वेश्चन में जल्दी खत्म हो जाएगा तुम लोग एंट्रेंस को भी टाइम दे पाएंगे। ठीक है चलो बाय, टेक केयर, बाय सर।